नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास। धनबाद झारखंड के शिवलीबाड़ी के जमा मस्जिद में नमाज पर पाबंदी। कुमार दुबे के शिवलीबाड़ी जमा मस्जिद के अलावा मदीना मस्जिद, गोशिया मस्जिद, एकरा मस्जिद में कोरोना वायरस को लेकर सावधानी बरती जाएगी। यहां के मस्जिदों में होने वाली 5 वक्त की नमाज के साथ जुमे की नमाज को लेकर यहाँ के लोगों से अपील की गई कि अपने अपने घरों में 27 मार्च 2020 से नमाज अदा करें, क्योंकि इस समय सभी लोगों को कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। धनबाद संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। कल जुमे की नमाज में किस तरह के एहतियात बरती जाएगी? हम लोगों ने ये पूरे मोहल्ले की जितनी मस्जिदें हैं सारी कमेटियों को बुला करके एक डिसीजन लिया है हम लोगों ने बैठ करके कि जुमे की नमाज नहीं अदा की जाएगी, क्योंकि जुमे की नमाज में काफ़ी भीड़ हो जाती है। कोरोना वायरस का जो खस्ता है वो बरकरार रहेगा, इसलिए 2-4 लोग जो इमाम हैं, मुअज्जिन हैं, वही जुमा की नमाज अदा करेंगे। बाकी बाहर के लोग अपने अपने घरों में नमाजें अदा करेंगे। पंजगाना और इसके अलावा जो भी 5 वक्त की नमाज होती है हमारे यहाँ, वो वही 2-3 आदमी अपने तौर पर नमाज अदा करेंगे। बाहर के या आवाम हमारी मस्जिद में नहीं आएंगे जब तक ये 14 तारीख ख़त्म नहीं हो जाता है, या हमारे प्रधानमंत्री जी का कोई ऐसा कुछ आश्वासन नहीं आ जाता है, तो हम लोग उनका डिसीजन पर आएंगे। जुमे की अजान होगी? जी हाँ, जुमे की अजान होगी, बाकी सारा काम होगा, अजान होगी और जो सिस्टम है वो होगा, लेकिन लोग नहीं आएंगे। इस मोहल्ले में शिवलीबाड़ी में जी यहाँ के लोग जिस तरह आदेश है एहतियात बरतने की, लोग बरत रहे हैं क्या? घरों में हैं सब? यहाँ पे सारे लोग कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा मस्जिद में भीड़ हो जा रही है, इसकी वजह से हम लोगों को ये डिसीजन लेना पड़ा। 2-3 दिन से जी रात 10 बजे अजान दी जा रही है, इसलिए क्या कहना है? ये अजान देने का ऐसा मामला हमारे यहाँ ऐसा है कि जब भी कोई आफत आती है, कोई भी जो कुदरती आफत होती है, उस आफत और बलाव से छुटकारा के लिए हमारे कान में हमारे ऐसा है कि अजान दिया जाए तो उससे वो बला टलती है, हो सकता है कि उसी से हम लोगों की ये बला जो है हिंदुस्तान से ख़त्म हो जाए। ये कोशिश हम लोगों का है कि रात में 10 बजे हम लोग अजान दें और ज़्यादा से ज़्यादा वो एक दुआ है बला टलती। भीड़ नहीं लगाते, अलग अलग देते और अलग अलग घरों में अपने अपने छत पर अजान दे रहे हैं। जी कितने दिन तक ये अजान दी जाएगी? जब तक ये बला ख़त्म नहीं होती तब तक अजान देना।